तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करने वाले ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल और इसके साथ में जो डेरिवेशंस आते हैं, फॉर्मूलेज आते हैं, उसे भी हम ड्राइव करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर क्या है? अब देखो, जो डीसी करंट होता है ना, डीसी करंट का जो पोटेंशियल होता है, एक बार अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, फिर अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल है तो वो थ्रू आउट द सर्किट 12 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन एसी के साथ ऐसा नहीं होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट के पोटेंशियल को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये बात क्लियर है? जैसे अगर पावर हाउस से अगर 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, तो हम उसको बढ़ा के 2000 वोल्ट या 3000 वोल्ट भी कर सकते हैं, या फिर उसको घटा के 10 वोल्ट 20 वोल्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे हम करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, जो पोटेंशियल का वैल्यू को बढ़ाते हैं, फिर करंट का वैल्यू को घटाते हैं, ये सारे चीज़ें कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर इज़ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ट्रांसफार्मर इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ, ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ एंड करेंट इन अ ए सी सर्किट। ये बात क्लियर है? एसी सर्किट में करंट के वैल्यू को घटाना बढ़ाना या पोटेंशियल के वैल्यू को घटाना बढ़ाना, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो किससे करते हैं? ट्रांसफार्मर से कंट्रोल करते हैं। तो अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल रहेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो प्रिंसिपल इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या ये बातें क्लियर है? इंडक्टेंस जो हमने पढ़ा था ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ड्राइंग बनाते हैं, डन। तो बेसिकली इसका दो ड्राइंग दिया है हमारे बुक में, डन है। तो पहला जो ड्राइंग दिया है हमारे पास, वो कुछ ऐसा है। ये हमारे पास देखो, यहाँ पे बेसिकली ना ऐसे एल एल शेप के बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एल शेप होता है, डन। ऐसा यहाँ पे एक एल शेप रहेगा, इस एल शेप को दूसरे एल शेप के साथ ऐसे कनेक्ट किया जाता है, डन। यहाँ पे और भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं इसके, इसके अंदर में और भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, छोटे छोटे लेयर्स होते हैं। क्या बात है, क्लियर है? ऐसे छोटे छोटे लेयर्स होते हैं। आपके बुक में ऐसा दिखाई नहीं होगा, आप ना यूट्यूब में, यूट्यूब नहीं, गूगल में सर्च कर लेना कि ट्रांसफार्मर का जो अंदर जो होता है ना, ट्रांसफार्मर का कोर कैसा दिखता है। तो बेसिकली ऐसे बनाते हैं एक, डन। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका ऐसा होता है, ऐसे बनाते हैं हम। यहाँ होता है ऐसे जॉइनिंग, ऐसे दो चेम्बर्स होते हैं यहाँ पे। क्या बात है, क्लियर है? अब देखो, मैं यहाँ पे सप्लाई कैसे देते हैं, यहाँ पे ऐसे जो रेड वाला है इसका सप्लाई है, मतलब हम कोई भी लाएं, यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, इनपुट मतलब हम सप्लाई करते हैं। क्या बात है, क्लियर है? ये सप्लाई है मतलब इनपुट। ये बात है क्लियर है? सिमिलरली यहाँ से हम आउटपुट निकालते हैं, यहाँ पे भी ऐसे कॉयल्स होते हैं, यहाँ से हम क्या निकालते हैं? आउटपुट निकालते हैं। क्या बात है, क्लियर है? सिमिलरली ये यहाँ पे जो कॉयल होता है, इसमें ऐसा होता है, ये जो इनपुट होता है उसे ऐसे वाइंड किया जाता है, डन। इसके ऊपर में आपका सेकेंडरी कॉयल, दैट इज़ आउटपुट के वायर को वाइंड किया जाता है। यहाँ पे ब्लू वाला क्या है आपका? आउटपुट का वायर है, और जो यहाँ पे रेड वाला था वो क्या था आपका? इनपुट का वायर है। क्या बात है, क्लियर है? तो इसका देख लेते हैं अभी डिस्क्रिप्शन। डायग्राम तो हमने देख लिया, अब इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन कि ये किस किस चीज़ों से बना होता है। तो डिस्क्रिप्शन में बेसिकली सिंपल चीज़ें यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। इससे जैसा सिंपल कोई डिवाइस होता नहीं है वैसे तो। एक तो होता है, हम इसमें सॉफ्ट आयरन का कोर यूज़ करते हैं, ये जो बाहर का जो आउटर बॉडी बनाया है ना, एक इससे होता है, सॉफ्ट आयरन से, डन। सॉफ्ट आयरन का पता है ना, ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। और क्या यूज़ करते हैं? इसके ऊपर जो वायर बाइंड किया जाता है वो होता है कॉपर वायर, कॉपर वायर यूज़ करते हैं। क्या बात है, क्लियर है हमें? अब हम इसका वर्किंग का बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली। देखो, इसका काम करना समझना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे जैसे ही करंट फ्लो होगा ना, तो जैसे ही करंट फ्लो होता है, हमें पता है कि कॉयल में से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कितना बनेगा? म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे जो करंट है वो क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है, तो आई की जगह में क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो
वेरिंग करंट आएगा, वेरिंग करंट की वजह से क्या होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने अंदर सारा मैग्नेटिक फील्ड को रख लेगा, अपने अंदर सारा मैग्नेटिक फील्ड को रख लेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे ट्रैवल करेंगे, ऐसे अंदर से ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। क्या बात है, क्लियर है? ऐसे अंदर से सारे मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करेंगे, डन। जो ये ट्रैवल करेंगे वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड होंगे, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो चेंज चेंज हो रहा है वक्त के साथ, और वक्त के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस कॉयल में भी, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, आपका एक नया ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस आउटपुट कॉयल में। क्या बात है, क्लियर है? तो वर्किंग यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्यू टू वेरिंग चेंजिंग, या फिर वेरिंग चेंजिंग, या फिर चेंजिंग लिख दो, एक ही बात है, चेंजिंग करंट सप्लाई, करंट सप्लाई, या फिर देखो ईएमएफ सप्लाई करेंगे चेंज वाला, तो करंट भी चेंजिंग ही रहेगा, ये बातें हमें पता है भाई, ठीक है। ड्यू टू वेरिंग या चेंजिंग करंट सप्लाई, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये बातें क्लियर है। एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है, विच विच प्रोड्यूसेस, विच प्रोड्यूसेस चेंजिंग फ्लक्स, वो क्या करता है, चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है किसमें, आउटपुट कॉयल में, ये बातें क्लियर है। उसको सेकेंडरी कॉयल कहते हैं वैसे, ठीक है, प्रोडक्ट्स चेंजिंग फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉयल, सेकेंडरी कॉयल, एंड हेंस क्या प्रोड्यूस होगा, हेंस ईएमएफ इज जनरेटेड, ईएमएफ इज जनरेटेड इन सेकेंड कॉयल, इन सेकेंड कॉयल। क्या ये बातें क्लियर है, डन है? तो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। पहला एजम्पशन रहेगा हमारा, लेट जो चेंजिंग मैग्नेटिक, देखो यार यहाँ पे वेरिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो याद रखना जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो इस कॉयल के लिए भी सेम है, इस कॉयल के लिए भी सेम ही है, क्योंकि सिंगल बॉडी है, सिंगल सॉफ्ट कोर का बॉडी है, डन, आयरन का बॉडी है। तो लेट जो डी फाई बाई डी टी क्या है, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉयल, इसको सेकेंडरी कॉयल कहते हैं, ठीक है, जो आउटपुट कॉयल होता है ना उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉयल कहते हैं, और जो इनपुट कॉयल होता है उसको हम प्राइमरी कॉयल कहते हैं, क्योंकि उसी में हम प्राइमरी सप्लाई देते हैं। देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉयल कितना होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, क्या ये बातें क्लियर है? ये तो सिंगल कॉयल के लिए, सिंगल टर्न के लिए डी फाई बाई डी टी हुआ, यहाँ पे कितने टर्न्स होंगे हमें नहीं पता, लेट यहाँ पे सेकेंडरी कॉयल पे एन एस नंबर ऑफ टर्न है, तो सिंगल के लिए इतना हो रहा है तो एन एस के लिए इतना हो जाएगा, क्या ये बातें क्लियर है? सेकेंड वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑल्सो देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ, देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो ए वाला जो चेंजिंग फ्लक्स है वो ए वाला प्राइमरी कॉइल के साथ भी लिंक करेगा जो इसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, तो जैसे ही इसके साथ लिंक होगा क्या, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो कि करंट के फ्लो को डिक्रीज करेगा, ये बातें क्लियर है? ये तो हमें आता है ना, ये क्या हो जाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाए, नहीं ये हो जाएगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस में आ जाएगा, डन है? ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन ए वाला कॉयल में क्या आ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस आ रहा है, क्या बात है, क्लियर है? प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ, अब प्राइमरी कॉयल में बैक ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, जो चेंज हो रहा है फ्लक्स में, दो कॉमन चेंज जो हो रहा है इनके फ्लक्स में इसकी वजह से, और अगर प्राइमरी कॉयल में आपके पास एन पी नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो कितना हो जाएगा, एन पी डी फाई बाई डी टी, क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, डन। अब इन्हीं इक्वेशन के हेल्प से हम बाकी के डेरिवेशन को करते हैं, डन। अब देखो, अगर मैं इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू करूँ, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू, अगर मैं इस तरह डेरिवेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इक्वेशन वन में क्या मिला था मेरे पास, बाय द वे ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉयल इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, क्या बात है, क्लियर? इक्वेशन टू में कितना है मेरे 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 पे ई पी है, ई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी, क्या बात है, क्लियर? ए कट गए, ए कट गए, माइनस माइनस कट गए, सो यहाँ पे आपका ई एम एफ इन सेकेंडरी डिवाइड बाई ई एम एफ इन प्राइमरी कितने के बराबर आ रहा है, एन एस बाई एन पी के बराबर आ रहा है, क्या ये बात है क्लियर है हमें, क्या ये बात है क्लियर है, डन।
ये हो गया हमारे पास एक ईएमएफ का इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास बन जाता है यहाँ पे देखने लायक, वो क्या है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सेकेंडरी ईएमएफ आ रहा है ना, अगर मैं ईएस का फॉर्मूला लिखूँ, ईएस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉयल कितने के बराबर है, एनएस बाई एनपी और साथ में इनटू क्या है आपका ईपी। डन। अभी आप एक चीज़ देखना, कोई भी फ्रैक्शन बड़ा कब होता है, 1/2 का वैल्यू 0.5। मैं इसके न्यूमरेटर को बढ़ा देता हूँ, न्यूमरेटर को बढ़ा के 2 कर देता हूँ, नीचे 2 ही रखता हूँ, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। 3/2 करूँगा तो 1/5 होगा। मतलब कोई भी चीज़ का न्यूमरेटर जब बढ़ता है ना, बड़ा होता है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे यही देख रहे हैं हम फ्रैक्शन। ये तो प्राइमरी सप्लाई हम करने वाले हैं, लेकिन एक क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉइलिंग घुमा घुमा के टर्न को। तो यहाँ पे दो तरह के ट्रांसफार्मर इसी के बेस में बन जाते हैं। तो पहला ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें सेकेंडरी कॉयल ज़्यादा है और प्राइमरी कॉयल कम है। सेकेंडरी कॉयल ज़्यादा है, प्राइमरी कॉयल कम है, सेकेंडरी कॉयल ज़्यादा है, प्राइमरी कॉयल कम है, सेकेंडरी कॉयल ज़्यादा है, प्राइमरी कॉयल कम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू आएगा। तो ग्रेटर वैल्यू जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी ईएमएफ ज़्यादा होगा। क्या ये बातें क्लियर है, दैट इज़ जब हमारा एनएस बाई एनपी का रेशियो ग्रेटर देन 1 आए, देन ईएमएफ एंड सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉल में ईएमएफ ग्रेटर हो जाएगा किसके कंपेयर में, जितना हम सप्लाई कर रहे होंगे। डन। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, और इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं, ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या ये बातें क्लियर है, इस तरह के ट्रांसफार्मर को हमने नाम क्या दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हमने पहला टॉपिक कर लिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, डन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, डन है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। सिमिलरली इसका वैल्यू को कम भी किया जा सकता है, कैसे, अगर हम डिनोमिनेटर के वैल्यू को बढ़ा दें। ये बातें क्लियर है, तो उस पार्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। डन। ऑल्सो ये भी पॉसिबल है, अगर हमारा सेकेंडरी कॉयल न्यूमिनेटर छोटा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर से, एनएस एनपी, डन है, सेकेंडरी कॉयल में टर्न्स कम है कंपेयर टू प्राइमरी कॉयल में, तो वैल्यू क्या आएगा, छोटा आएगा, दैट इज़ एन एस बाई एन पी तुम कर रहे हो, और अगर तुम्हारे पास लेस देन 1 आ रहा है देन क्या होगा, देन ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉयल इज स्मॉलर देन ई एम एफ इन प्राइमरी कॉयल। डन है। सो इस तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या ये बातें क्लियर है हमें, तो दो तरह के ट्रांसफार्मर हमने कर लिए, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। अब देखो तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा होगा, जैसे हमने पढ़ा था वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ने पे करंट बढ़ता है, लेकिन क्या इस केस में भी वैसा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं तो क्या करंट का वैल्यू भी बढ़ता है, क्या ऐसा होता है। तो इसको देखने के लिए हमें, देखो दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि तुम बिना एनर्जी स्पेंड करे कर दो, डन है। तो इसको देखने के लिए हम आगे ऑर्थो डेरिवेशन करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक और टर्म में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पावर के टर्म पे, दैट इज़ अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखें तो हम लोग जो पावर इनपुट दे रहे हैं ना, जो हम इनपुट पावर दे रहे हैं, क्योंकि पावर भी एनर्जी का एक फॉर्म है, डन है ना, उसको तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो हमें पता है, वाट और जूल का कन्वर्जन किसके बराबर होना चाहिए, आउटपुट पावर के बराबर होना चाहिए, ये तो एनर्जी कंसिडरेशन बोलता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इनपुट पावर कितना होता है, पावर का फॉर्मूला पोटेंशियल में वी इंटू आई, तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा, ई इन प्राइमरी आई इन प्राइमरी इज इक्वल टू आउटपुट पावर ई इन सेकेंडरी, दैट इज आउटपुट कॉयल करेंट इन सेकेंडरी कॉयल। डन। यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, दैट इज़ ई एस यहाँ रखा, ई पी को नीचे भेज दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे आई पी बच गया था और इस आई एस को नीचे भेज दिया। क्या ये बातें क्लियर है, देयरफोर इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं। क्या बातें क्लियर है, यहाँ भी देखो ई एस बाई ई पी है, यहाँ भी देखो ई एस बाई ई पी है, तो सबको इकट्ठा लिखते हैं, दैट इज़ ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू यहाँ से एन एस बाई एन पी विच इज़ फर्दर इक्वल टू आई इन प्राइमरी बाई आई इन सेकेंडरी। ये बातें क्लियर है हमें। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, दैट इज़ स्टेप अप। जब हमने स्टेप अप किया था, दैट इज़ हमने आउटपुट पोटेंशियल को बढ़ाया था,
आउटपुट पोटेंशियल को कैसे बढ़ाया था, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉयल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉयल, डन है, जिस केस में आई बढ़ गया, देखो बोलते पोटेंशियल आपका बढ़ा था, ई एस ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉयल बढ़ गया था। इसी में देखते करंट का क्या होता है। तो कॉयल के साथ ए रिलेशन हम यूज़ करते हैं क्या, ए वाला रिलेशन को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ हमें पता है नंबर ऑफ टर्न के साथ जो रिलेशन है हमारा ये आई पी बाई आई एस, हमें निकालना है सेकेंडरी कॉयल में कितना करंट आया था। तो आई एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आई एस को भेजा मैंने तो एन पी जाएगा इस तरफ, आई पी यहाँ पे रखते एन पी चले गया इस तरफ और एन एस आ जाएगा नीचे। सिंपल मैथमेटिक्स, ये बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एन एस ग्रेटर देन एन पी था तो स्टेप अप हुआ था, पोटेंशियल बढ़ गया था, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है एन एस क्या यहाँ पे ग्रेटर क्वांटिटी है इस कंपेयर में और एन पी क्या यहाँ पे लोअर क्वांटिटी है। इसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर छोटा है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, वैल्यू क्या आएगा कम आएगा, डन। तो हम देख सकते हैं कि इन स्टेप ऑफ आउटपुट पोटेंशियल, आउटपुट ई एम एफ इज हायर, आउटपुट ई एम एफ तो हायर होता है बट करेंट क्या होता है, करेंट इज लोअर, करेंट कम हो जाता है। इसका मतलब हम लोग जो वहाँ पे ट्रांसमिशन वायर दिखते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा होता है ना कि 2000 वोल्ट है, तो जब 2000 वोल्ट का वायर दिखता है हमें तो वहाँ पे करंट उतना नहीं होता है, डन है, क्योंकि हम वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में पोटेंशियल को हाई करते तो करंट क्या होता है ऑब्वियसली कम हो जाता है। क्या बात है, क्लियर है, फिर भी जितना होता है डेडली होता है, ठीक है, तो छूना नहीं उसको। ऑल्सो स्टेप डाउन को भी देख लो, हमने स्टेप डाउन में क्या देखा था, स्टेप डाउन में हमने यहाँ पे देखा था एन एस क्या होता है, लेस देन एन पी होता है। तो अगर यही फॉर्मूले में हम देखें आई सेकेंडरी इज इक्वल टू आई पी एन पी बाई एन एस, अब देखो एन एस छोटा है मतलब ये छोटा है, ए वाला क्वांटिटी बड़ा है, एन एस ये छोटा है इससे, तो ए वाला बड़ा है ए वाला छोटा है, ये बातें क्लियर है। इस केस में क्या होगा, आई एस इज बी ग्रेटर, ये बातें क्लियर है। सो स्टेप डाउन में क्या होता है, सो इन स्टेप डाउन आउटपुट पोटेंशियल, आउटपुट जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इज हायर, आउटपुट पोटेंशियल इज लोअर एंड आउटपुट करंट क्या हो जाता है, करंट हो जाता है हाई। क्या ये बातें क्लियर है हमें, यही है बेसिकली आपका डेरिवेशन ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के यूजेस क्या है और उसमें कितने तरह के लॉसेस होते हैं, डन है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।